हेलो फ्रेंड्स, सो आज का टॉपिक है हिंदू कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर वर्सेस गुजराती कैलेंडर। सो मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी चाहिए कि हिंदी कैलेंडर पूर्णिमा से स्टार्ट होता है न्यू मंथ, और गुजराती कैलेंडर अमावस्या से स्टार्ट होता है उसका न्यू मंथ। तो उसके अकॉर्डिंग 15 दिन लेट गुजराती कैलेंडर होता है। सो हमारा श्रावण महीना कल से स्टार्ट हो रहा है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, बट अभी गुजराती कैलेंडर में वो 15 दिन मीन्स कि अमावस्या जो अब आएगी उससे स्टार्ट होगा। सो श्रावण मंथ में गुजराती कैलेंडर में जन्माष्टमी आ जाती है, और हमारा जो कि पूर्णिमा को मंथ पूरा हो जाएगा श्रावण महीना, तो हमारा भादव मंथ में जन्माष्टमी पड़ता है। पर जो हमारा ओरिजिनल जो हमारे वेद पुराण है ना, उसके अकॉर्डिंग हिंदू कैलेंडर चलता है, जो पूनम से स्टार्ट होता है और पूर्णिमा पे ही दूसरा न्यू मंथ स्टार्ट होता है और अमावस्या से नहीं। और वेद पुराण में जो डेट जन्माष्टमी की लिखी गई है जो है, वो श्रावण मंथ में आती ही नहीं है बिल्कुल। तो श्रावण मंथ में यहाँ किस मतलब हिसाब से मुझे नहीं मालूम, अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों है गुजराती कैलेंडर का।